अरे कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, जो हमारे बस की ना है। अबे मैं करवाऊंगा यार, तू पहले वहां जाके ना काम करते। ए भाई भाई उठाना है, भाई मदद कर दो थोड़ा। अरे भाई किसको बोल रहे हो उठाने के लिए, उस तरह एक नंबर कोढ़िया है, काम चोर है वो। अच्छा भाई तू मदद कर दो भाई। जो पूरा बदन को महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो पूरा इज्जत की धज्जियां उड़ा दे उसे मित्र कहते हैं। सूरज तुझे पता है जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं अपनी बीवी को किस करता हूँ, और तुझे पता है जब तुम ऑफिस चला जाता है तो मैं किस करता हूँ। हंस क्यों रहा? सबसे पहले तो मैं ही करता हूँ। यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं, तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए, तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा उसका। ले भाई अपना 200 रुपया। सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह समस्या सबके साथ है जो मैं कहने वाला हूँ। टॉयलेट में बैठ के हाँ नगाओ के जैसे हाँ सर्दी के मौसम में ख्याल आते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, टॉयलेट में बैठकर नवाब के जैसे सर्दी के मौसम में ख्याल आते हैं ऐसे ऐसे। जो करना था वो तो कर लिया, अब धोऊंगा कैसे? बस ठंडा पानी रहता ना यार टंकी का पानी। धूप दिखाई नहीं दे रही आजकल, कहीं मोदी जी ने सूरज को बेच तो नहीं दिया? हाँ थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए ना, आगे तक। हाँ वाह यार बहुत सुपर बाइक है यार। है ना सुपर? अपन का है भाई, तुझे पता है तेज बाइक चलाने वाले बहुत प्यारे होते हैं। हाँ। वो इतने प्यारे होते हैं कि भगवान को प्यारे हो जाते हैं। मूड खराब कर दिया हमारे यहाँ सही होता है। अरे नाम में क्या रखा है साहब, सूरज नाम के लड़के भी इस ठंड में कांप रहे हैं। खाने रसगुल्ला एक पीस बचा है। पागल है क्या, रसगुल्ला खाने के लिए हाथ बाहर निकालेंगे और हाथ में ठंड लग गया तो? दम है तो तुम ही खा के दिखाओ ना इतना ठंड में। ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया सर। रिश्तेदार बोलते हैं कि बेटा तुझसे शादी कौन करेगी, अब उन्हें कैसे बताऊं, मैं भी इसी टेंशन में हूँ। थानेदार साहब आपने मुझे क्यों बुलाया? जिस दिन इसके पिताजी का मर्डर हुआ उस दिन तुमने वहाँ क्या देखा? उस दिन मैं सुबह उठा और टीवी चालू किया और सीआईडी देखा। अरे मेरा कहने का मतलब है जिस दिन इसके पिताजी का मर्डर हुआ उस दिन तुमने वहाँ इसके घर में क्या देखा? इसके घर? हाँ। इसके घर में कुछ नहीं देखा क्योंकि इसके घर में टीवी ही नहीं है। हाँ भैया बताओ क्या चाहिए? भाई साहब मुझे अपनी बीवी से लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत और जुनून चाहिए। अरे भाई साहब को एक 70 वाला पौआ और चकने में नमकीन का पैकेट दो।
दे रहे भाई साहब। सिगरेट और पत्नी दोनों कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं है, बस इनको सुलगाइए मत। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, जहाँ पर तेरा कोई साथ नहीं देगा वहाँ पर हम भी नहीं देंगे। अरे भाई बढ़िया पढ़ाई लिखाई करना भाई। हमको नहीं पढ़ना लिखना है। अरे भाई पढ़ाई लिखाई करो और इंजीनियर बनो। हमको नहीं पढ़ना नहीं इंजीनियर बनना है। अगर इंजीनियर नहीं बनेगा ना पढ़ लिख के तो इसका भीख मांगेगा। तो भाई आई एम बीटेक इंजीनियर। अब बता बन ले इंजीनियर। इंजीनियर कैसा हालत है तो मेरा क्या होगा, हमको नहीं बनना इंजीनियर। इंकी पिंकी पंकी लेडी बॉट द डोंकी। छोटे। हाँ भाईजान। अगर वो आशिक है तो हम उसकी सुपारी नहीं लेंगे। क्यों भाईजान? उससे बीड़ी का मंडल लेंगे। बीड़ी पीने को मन कर रहा मेरा बहुत ज्यादा, ले कहिए भाई जा। अभी जाओ। बाइक चलाने वालों से निवेदन है कि थोड़ा आराम से चलाया करो, तुम तो निकल जाते हो पीछे से लोग तुम्हारी माँ बहन को याद करते हैं। अरे रोशन भाई तुम्हारी दादी वहाँ झगड़ा कर रही है। कहाँ? वहाँ, चलो दिखाते। चल, 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 चल। वहाँ देखो। अरे दादी झगड़ा मत करो, चलो घर, दादा बुला रहे हैं। You shut up! Danger coming, coming! तेरा जो कुतरिया तू मेरे को बंगले का कागजात दे देना, नहीं तो तू साला बंगला भी बेच डालेगा। ले ले, इसका भरोसा नहीं रहे। तू समझा ये बोलता काहे को नहीं? ये बाबा ये बंगला है ना, ये बंगला है नहीं, बंगला था क्या? तूने बंगला भेज दिया। नमस्कार, जिसकी शादी हो गई है वो किसी भी लड़की के साथ ना मनाए वैलेंटाइन डे, वरना बीबी आपके साथ मनाएगी वैलेंटाइन डे। मैं जो कहूंगा करोगे? यस बॉस। मार। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे नहीं, जब पता है कोई लड़की तुम्हें मैसेज नहीं करेगी तो क्या जरूरत थी इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की? तुम तो यूट्यूब पर भजन सुनो मित्र। हाँ चल, मेरे पैसे वापस कर। पर्स किया है कि आज के दिन अपना सारा प्यार लुटा दे। वो सब नहीं सुनूंगा, मेरा पैसा लुटा दे। और तेरे इश्क की खातिर मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। जिसको लगती है ज्यादा ठंड उसको दूंगा मैं अपना कंबल। कंबल गाइस, कंबल यार, नेक काम थोड़े से हमें भी करने दिया करो। अरे दोस्त, और बीवी ने गुटखा खा दी है। हाँ, लेकिन तेरा कैसे पता रे? कल चुम्मा लिया ना तो हमारे मुंह में गुटखा आ गया। मैं पढ़ा लिखा आदमी है, मैं भी चिट्ठी लिख के लाश के जेब में डालेंगे, इसमें मेरा हाथ नहीं है, जाओ भी का हाथ है। हम एक और चिट्ठी लिखेंगे कि पुट्टू पायलट का चिट्ठी झूठा है, वही खूनी है सारा। मैं एक और चिट्ठी लिखेंगे तो हम टेलीग्राम करेंगे। मैं फैक्स करेंगे तो ईमेल करेंगे। मैं फीमेल करेंगे। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं, तो कैसे जाएंगे? प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। हाँ दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी प्रेमियों को आपके आने वाले 14 फरवरी बेल डायन डी की नहीं यार, गलत है ये। बेलन डेलन पेलन डेलन डी भैया, बेलन बेलन विटामिन डी। अरे यार भैया, 14 फरवरी प्रेमी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो गाइज एग्जाम भी आ रहे हैं और वैलेंटाइन भी। खैर अपना तो दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए कुछ बोल। तेरे लिए? तू तो मेरा जिगरी दोस्त है। हाँ मेरे लिए कुछ बोल। कि दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, आंसू तेरे बहे तो आँख मेरी हो, खुदा करे अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो हाँ। कि लात तू खाए और गलती मेरी हो। दोस्तों दोस्तों हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटका। क्या हो गया? गुटका नहीं खाना चाहिए, तूने सुना नहीं है? वो टीवी में कहता रहता है धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हाँ यार सही कहा, पता है तुझे पहले 8 रुपया कहता था, 20 रुपया कहता है। अरे दोस्त और बीवी ने गुटखा खा दी है। हाँ, लेकिन तुरा कैसे बता रहे? कल चुम्मा लिया ना तो हमारे मुंह में गुटखा आ गया। पड़ोस के लोग देखते रह जाएंगे जब मेरा दोस्त लड़की लेकर भाग जाएगा। बेटा ये बताओ बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ रोमियो, तू तो बैंक गया था ना खाता बंद करवाने के लिए, करवा लिया? अरे क्या बताऊं यार, ये प्राइवेट बैंक वाले भी ना खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को बिठा देते हैं। तो क्या हो गया? अरे यार इतने ख्यार से बात करती हैं दिमाग खराब हो जाता है। गया था मैं खाता बंद करवाने, एक और खुलवा के आ गया। तुम लोग मेरी सेटिंग क्यों नहीं करवा देते हो? गरीब की मजबूरी क्यों नहीं समझते तुम लोग? भगवान हाँ। इस बार सारे दोस्तों ने अपनी औकात दिखा दी, बस तू ही मेरा एक दोस्त है जिसने अपनी औकात नहीं दिखाई। क्यों करते हो भाई मुझ पर इतना भरोसा? क्योंकि तेरी कोई औकात ही नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है, तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट का भी बोलो। भाई हाँ, वादा कर हमारी दोस्ती के बीच कभी पैसा नहीं आएगा। पैसा होना भी तो चाहिए। भाई दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर मच्छर है। वो क्यों? क्योंकि उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए ताली तो बजानी पड़ती है। हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, एक दिन लुगाई तुझे भी मिलेगी। हाँ क्या कर रहा भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। और सबको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बस साला मुझे ही नहीं पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है।